हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर्स फॉर वी स्टडी नाउ चैप्टर्स फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा ये कुछ एमसीक्यूज हैं चैप्टर फोर से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, द लीनियर इक्वेशंस 3y-5 = 0 रिप्रेजेंटेड एज ax + by + c = 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या टू सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन। बेटा जब 3y-5 = 0 एक रिजल्टेंट दिया हुआ है और हमें इस फॉर्मेशन में चाहिए, तो वेरिएबल्स को हम कन्वर्ट किस फॉर्म से रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स से। तो ऑलवेज टू वेरिएबल्स की जो है, कभी भी टू वेरिएबल्स वाली जो कोई भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, बी। द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है कि ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन। बेटा लीनियर इक्वेशन होती क्या है, बेटा लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिन वेरिएबल्स में पावर्स मैक्सिमम पावर रेशन कितनी होती है, 1। अब मान लीजिए यहाँ 2 वेरिएबल है तो दोनों की पावर 1 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है बेटा इसमें, 2, तो ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। इफ तो एक्स एंड वाई आर क्या होंगे बेटा, दोनों कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे या रियल नंबर होंगे या रेशनल होंगे। तो बेटा दोनों कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए। इफ यदि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट ब्रैकेट 3,0 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 2x + 3y = k। यहाँ पे बेटा की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी हुई है जिसमें k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है इसके ग्राफ पे, तो हमें k की वैल्यू करनी है। तो बेटा वी नाउ दैट आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन, यदि आपको कोई लाइन एक्सिस खींच लें आप और उस पर मैं ये कहूँ कि ये कोई लाइन है और इसी लाइन पे ये पॉइंट को लाइज कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। तो यहाँ एक्स की 3 वैल्यू रख दीजिए और वाई की 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 × 3 ये तो बेटा 0 हो गया, लेकिन 2 × 3 ये क्या आ जाएगा, 6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा बेटा इसका, ए। बेटा ये जो 3 0 में ये 3 जो है ये तो एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, तो हम x = 3 और y = 0 इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, x की जगह तो 3 और y की जगह 0, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो टर्म पूरी 0 होगी, तो बचा क्या ओनली 2 × 3, तो k की वैल्यू कितनी आई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0 × y = 9 इन द टू वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ। तो आपसे पूछा है कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है ax + by + c की फॉर्मेशन के रूप में, इसे ये किस तरह की कंडीशन है। यहाँ पे इसका जो फॉर्म होगी वेरिएबल्स रिलेशन के लिए वो 9/2 0 होगी या 9/2 n होगी, जहाँ पे n एक रियल नंबर होगी, या n, 9/2 होगी या 0, 9/2 होगी। अब बेटा यदि मैं यहाँ से रोटेट करूँ, ये तो 0 × y है, दैट इज ये तो हमारे लिए एलिमिनेशन है, तो बचा क्या बेटा ओनली 2x = 9। जब 2x = 9 है और मैं 2 को, तो x की वैल्यू तो 9/2 है, तो n नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्या होगा बेटा हमारे लिए, y के लिए, तो कोऑर्डिनेशन तो क्या होगा 9/2 n, और n वहाँ पे क्या होगा हमारे लिए रियल नंबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करें, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 15 द कट ऑफ द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बस, तो वाई कोऑर्डिनेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई के कोऑर्डिनेशन 0 हो गया, और जब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया हमारे लिए, बचा क्या बेटा ओनली 3x = 15। 3 से यदि 15 को डिवाइड करें तो x = कितना आ गया, 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई और y हमारे लिए क्या है, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, xy। तो कोऑर्डिनेट में जब हम कोऑर्डिनेट को शो करेंगे तो कौन सा रिजल्टेंट आएगा एट द पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या होगा बेटा, 5 0। कौन सा पॉइंट होगा इसका, 5 0। तो द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 15 में यदि कट ऑफ द एक्स एक्सिस को करता है तो एट द पॉइंट वो पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, 5 0। क्वेश्चन 6, द इक्वेशंस x = 5 in two variable कैन बी रिटर्न एज, हमें x = 5 को 2 variable की इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड करना है, तो हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड करेंगे बेटा, 1 × x + 1 × y = 5 या 0 × x + 0 × y = 5 या बी ऑप्शन 0 × x + 1 × y = 5 या डी ऑप्शन 1 × x + 0 × y = 5। बेटा यहाँ पे हमारा एक्स तो कॉपिशेंट एटलीस्ट 1 है, बट लेकिन वाई तो नहीं है, तो वाई के कॉपिशेंट को तो हम एडिशन में 0 लेकर करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा बेटा ये, क्योंकि 1 × x + 0 × y = 5, तो दैट इज मे बी द रिप्रेजेंटेड फॉर्म ax + by = c के लिए, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करा इस फॉर्मेशन में। तो यहाँ हमारे लिए x की वैल्यू 1 है कॉपिशेंट, और ये y × 0 कॉपिशेंट इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टर्म ही नहीं है, तो हम उस फॉर्म को क्या लिखेंगे, 0 × y। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसका,
डी, एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स इज द फॉर्म ऑफ, जब वाई और एक्स दोनों वैल्यू सेम है, तो ऐसे किस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, ये एक्स है ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की है ये वाई की, ये एक्स है ये वाई, ये एक्स है ये वाई, दैट इज, तो कौन सी कंडीशन में दोनों पॉइंट सेम है वाई इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, डी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा इसका, डी ऑप्शन राइट है। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज, इनमें आप कौन सी इक्वेशन को आप ये कहेंगे कि ये इसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन, बेटा जब कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस के अबाउट होती है, मान लीजिए हमारे पास यही आप ये ले रहे हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपके लिए वाई एक्सिस होता है, और आप एक्स एक्सिस की क्या कह रहे हैं अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट किस पे इक्वेशन होगी वाई के लिए, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन होगा जब वाई क्वांटिटी लिए जीरो, तो आपके पास कोई भी इक्वेशन यदि आप शो करें एक्स एक्सिस के लिए, तो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो वाई की क्वांटिटी के लिए जीरो मानी जाती है, यदि वाई एक्सिस हो तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कहाँ है जब एक्स एक्सिस होगा, जब एक्स एक्सिस के अबाउट है तो वाई इक्वल टू जीरो, और जब वाई एक्सिस के अबाउट है तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस के कहा है तो एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस के कहा है तो वाई इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इक्वल टू माइनस थ्री इज ए लाइन, तो किस लाइनेशन में शो होता है, जब वाई इक्वल टू वाई पे है तो किसके अबाउट होगा, अभी मैंने आपको बताया जब वाई की वैल्यू रोटेट करें तो एक्स के अबाउट पैरेलल होगा, लेकिन वाई टू ब्लो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ होगा इसमें, नीचे की डायरेक्शन में, तो कौन सा पॉइंट ऑफ होगा इसमें, एक्स पैरल टू एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस थ्री यूनिट फ्रॉम टू ओरिजन एंड ब्लो एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, जब एक्स की वैल्यू बेटा फाइव है, वाई की वैल्यू माइनस टू है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और आपको लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बताने की ये दोनों पॉइंट किसकी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो हम इनमें पुट करना शुरू करते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू माइनस टू रखी इसमें फर्स्ट वाले में, तो नॉट सेटिस्फाइड, बी वाले में रखी यस, ये सेटिस्फाई करे, बिकॉज देखो फाइव टू जो टेन हो गए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए टू हो गए, तो ट्वेल्व कंप्लीटेड एडिशन हो गया, कितना आ गया ट्वेल्व आ गया, इसमें नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेट, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका बेटा, बी, बिकॉज यदि आप एक्स के प्लेस पे हैं फाइव और बी के वाई के प्लेस पे माइनस के टू रख रहे हैं, तो ये ऐड करने के बाद ट्वेल्व आ रहा है, बाकी इन तीनों पॉसिबिलिटी में ये इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू में यदि आप एक्स वाई रख रहे हैं तीन ऑप्शनों में, तो इसकी राइट हैंड वाला पोर्सन इसके इक्वल नहीं आता है, इसलिए ये इसका ये बेटा एक सोल्यूशन, सोल्यूशन होता क्या बेटा, सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन के लिए वो होता है यदि आप उसके एक्स वाई की जो वैल्यूज में पुट कर रहे हैं और वो वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, दैट इज उसका लेफ्ट हैंड और उसका राइट हैंड दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11, द इफ द लीनियर इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको पॉइंट्स दें और आपसे पूछा इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है जिनके लिए तीनों पॉइंट सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, आप इनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड में रखेंगे तो चेक करेंगे, तो इनमें जो रिजल्ट ऑब्जर्व होगा वही हमारे लिए क्या होगा इसकी इक्वेशन, जब हम ऐसा करके चेक करते हैं इसको, तो हमारे लिए बी जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि ये सेटिस्फाई, देख लीजिए आप, माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, अदरवाइज यदि मैं इसमें या इसमें किसी में भी ये रिजल्ट तीनों कोऑर्डिनेट रखूँ तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर, डू एनी वन कोई ये कर सकता है बट सभी नहीं कर सकते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स इज ए निगेटिव है या एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो श्योरली पोर्सन ऑफ लाइन इन दैट, तो वो लाइन क्या होगी, वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगी, सेकंड में, अब उसने कहा एक्स तो निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेशन क्या बना बेटा, माइनस प्लस, और अब वी नाउ दैट आपको खुद बताना चाहिए कि माइनस प्लस जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी लाइनिंगशन को लिखते हैं तो इस वाली लाइनिंग पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो माइनस का, और इस पे कौन सा होता है प्लस का, तो कोऑर्डिनेट क्या है आपका, माइनस प्लस, तो वो कौन से क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस वाई इज इक्वल टू टू एक्स, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टू एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको बताने की जो इक्वेशन है y इक्वल टू टू एक्स, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ, ये किससे इक्वेशन से थ्रू हो गया, आपने टू वन रखा है, यहाँ टू रख दिया, यहाँ पे x के प्लेस और y के प्लेस पे वन, तो क्या ये इक्वल है, नो, तो ये तो नहीं इक्वल होगा। नेक्स्ट अदर पॉइंट को चेक करते हैं, टू यहाँ पे रखिए, फोर और माइनस वन यहाँ, नोट, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसे रखते हैं ये भी सेटिस्फाई, तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली डी वाला ऑप्शन, तो ये इसके लिए आंसर होगा बेटा, तो इसका ऑप्शन कितना होगा, थर्टीन का डी।